मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजू जहां में मैं तुम सा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांत। यूके की सेवा कर लौटते हुए दादी जान की एक बार मुंबई रुकी और मुंबई में टीचर्स बहनों की क्लास हुई थी। उस क्लास में दादी ने कहा कि सारी सेवाएं करते हुए, व्यस्त रहते हुए भी दादी का 90% ध्यान खुद पर रहता है। लोगों से मिल रहे, यहां वहां जा रहे, स्पीच दे रहे, संवाद दे रहे। दादी ने कहा कि मेरा 90% ध्यान खुद पर रहता है। फिर वहां से दादी मधुबन आ गई और मधुबन बहुत समय थी और फिर वापस यूके जाना था।
फिर से वाया मुंबई गई और फिर से टीचर बहनों की एक क्लास हुई। और तब दादी ने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरा 100% ध्यान स्वयं पर रहे। 100% अब तक नहीं, पर अब मैं पुरुषार्थ करूंगी। अब मेरा ये संकल्प है कि जो 10% भी बुद्धि भटक रही है वो मैं रोक दूं और मेरा 100% अटेंशन खुद पर हो। हम सभी क्लासेस में मुरलियों में सुनते रहते हैं, स्व परिवर्तन स्व परिवर्तन स्व परिवर्तन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परंतु दिनचर्या फिर भी बाह्य मुक्ता में ही गुजरती है। अटेंशन सारा के सारा बाहर ही है। जबकि भीतर बहुत सारा काम अभी रहा पड़ा है, पेंडिंग वर्क। सोल अंडर कंस्ट्रक्शन, काम जारी है, बोर्ड लगाना ताकि उस काम में विघ्न ना आए। जैसे दादी ने अपने लिए ये कहा, उस हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या हम अपने लिए ऐसा कह सकते हैं? जैसे दादी संकल्प कर रही है, क्या हम भी ऐसा संकल्प कर सकते हैं? तो आज की दो अव्यक्त मुरलियों में से एक अव्यक्त मुरली, ये सारी मुरली सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ जर्निंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ओरिएंटेशन, चर्निंग द डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात स्वदर्शन चक्र घुमाना, चर्निंग द डिस्कस, स्पिनिंग द डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को देखना मैं कहाँ हूं इस जीवन की यात्रा में, किस स्टेशन पर पहुंचा हूं प्यूरिटी के, रिलेशनशिप के, विचारों के, बिलीव्स के, मान्यताओं के, किस स्टेबिलिटी में पहुंचा हूं, माया का कौन सा रूप अब भी मुझे प्रभावित करता है। इस मुरली में बाबा ने माया के चार रूप बताए हैं। पहला, देह की स्मृति, दूसरा लौकिक अलौकिक परिवार के जो संबंध है वो,
तीसरा स्वभाव संस्कार, और चौथा प्रकृति का आकर्षण। प्रकृति का आकर्षण कितना है, अर्थात पांच तत्वों का आकर्षण कितना है, देह की स्मृति कितनी है, संबंध कितना खींचते हैं। स्वयं का ही स्वभाव स्वयं का शत्रु बना हुआ है, शत्रु बाहर है ही नहीं। क्रांति अर्थात विद्रोह, रिवॉल्यूशन, सत्ता को उखाड़ कर फेंकना और नई सत्ता स्थापित करना। पर कौन सी सत्ता, किससे विद्रोह? स्वयं से विद्रोह, स्वयं के स्वभाव से विद्रोह। द रिवॉल्ट, द म्यूटिनी, विप्लव। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं ही, भीतर ही है। इसी रावण को जलते हुए रोज देखना है, जो हमारी चेकलिस्ट है अमृतवेला की, उसमें एक क्या है, पांच विकारों को भस्म करना। तो उसमें एक चित्र बनाना है, विजुअलाइजेशन रावण का, एक तो चित्र वो है जो हम सिर पे लिखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। एक दूसरा चित्र उसे एक हार पहनानी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उसमें बहुत सारा ऐड हो सकता है, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, भय, आलस, अलबेलापन, और फिर इसको आग लगाओ और उस रावण को जलते हुए देखो, और उस रावण को आखिर में गिरते हुए, राख होते हुए। तो बाबा ने माया के चार चक्र सुनाए इस मुरली में, और माया बहुत शक्तिशाली है। महारथी के साथ महारथी, रुस्तम के साथ रुस्तम, तपस्वी के साथ तपस्वी, योगी के साथ योगी, बीके के साथ बीके, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण, राजयोगी के साथ राजयोगी, तपस्वी के साथ तपस्वी, रूप धारण करके आती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। कहलाओ योगी और योग ना लगे, ये है सजा। कहलाओ राज योगी और योग न लगे, ये क्या है, माया की सजा। उठो अमृत वेला, परंतु बुद्धि सुबह सुबह भटके, ये है सजा माया की। मुरली पढ़ो पर कुछ समझ ना आए, ये है क्या, ये है सजा माया की। सेवा करो पर कोई खुशी ना हो, ये है सजा माया की। मधुवन में आओ और मधुवन में आकर भी अशरीरीपन का अनुभव ना होना, ये है सजा माया की। इस ब्राह्मण परिवार से मिलो और फिर भी खुशी ना हो, आज सुबह की अव्यक्तवाणी संडे। सेवा में कृपाया है, एक तो बाप के सामने आए हो, दूसरे इस परिवार के सामने आते हो, इस ब्राह्मण परिवार के सामने आते हो तो खुशी होनी चाहिए। मधुबन में आते हो, यहां आकर भी दुखी है कोई, व्हाइट ड्रेस और बैच पहनकर भी भीतर दुख है, यह है माया की सजा। ज्ञानी कहलाने वाले, उस दिन सुना था ना, त्रिनेत्री है परंतु दिखाई नहीं देता, त्रिकालदर्शी है परंतु ठिकाना नहीं,
दूसरों को भविष्य का परिणाम सुनाने वाले स्वयं के कर्मों का परिणाम नहीं जानते। दूसरों के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले, परंतु खुद उलझन में है। तो माया अपने दुश्मन को कम नहीं समझना, वो अत्यंत शक्तिशाली और एक्सट्रीमली अपडेटेड। उसके पास नए नए शस्त्र है, तुम अपनी वही तलवार और ढाल लेके घूम रहे हो। उसके पास बंदूक है, तोप है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, बॉम्ब है। वो निरंतर अपने आप को अपडेट करती रहती है और तुम्हारे पास वही अपने पुराने अस्त्र शस्त्र जमा कर रखे, उसी को धार लगा रहे, तलवार लाठी। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वेपन्स, डिजिटल वेपन्स है उसके पास। हर दिन अपडेट करती है। एक महिला एक घर खरीदती है, बूढ़ी महिला है, पर घर मालिक कहता है कि घर के साथ एक कुत्ता भी है, उसे वहीं रखना होगा, हम लोग जा रहे बाहर, तुम घर में रहो पर वो कुत्ता वहीं रहेगा। वो कहती कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा एक कोने में। उस घर में एक आम चेयर होती है, रॉकिंग चेयर बड़ी सी। उस बूढ़ी महिला को रॉकिंग चेयर बहुत पसंद आती है, जिसमें बैठ के वो ऐसे ऐसे डोलती रहती है। पर जब भी रॉकिंग चेयर के पास, उस आम चेयर के पास वो जाती है, देखती है वो कुत्ता वहाँ बैठा है चेयर पर, क्योंकि उसकी वो पुरानी चेयर है। तो ये महिला एक युक्ति करती है, कुत्ता बहुत बुद्धिमान है, वो खिड़की के पास जाती है और चिल्लाती है, कैट कैट कैट, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। कुत्ता उठ के खिड़की के पास आता है देखना, तब तक ये बैठ जाती है। जब भी वो देखती है कुत्ता उसकी चेयर पर बैठा है, वो चिल्लाती है खिड़की पर जाकर, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। तो एक बार जब वो खुद बैठी होती है और कुत्ता आता है, कुत्ता खिड़की के पास जाता है और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगता है। महिला को लगता है क्या हो गया, वो भाग कर जाकर खिड़की पर देखती है क्या हुआ, तब तक कुत्ता चेयर पर आकर बैठ जाता है। तो कुत्ते ने भी ट्रिक सीख ली है मालिक से, वो भी चतुर सुजान हो गया है, सीखा तुमसे ही है और तुमसे आगे है। वैसे माया भी अपडेटेड और नई माया। ये ना समझो कि मधुबन आ गए तो कोई माया नहीं, यहाँ मधुबन की माया, वहाँ संसार की माया, जहाँ जाओ वहाँ माया का साम्राज्य है सब तरफ। इसलिए माया की चाल को समझना है। तो माया के चक्र की ये चार रूप, देह की स्मृति, देह की याद, और ये सबसे गहरी स्मृति है आत्मा में, उसे देह पसंद है। कितनी साधना की आवश्यकता है। अंतर वैराग्य की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर दिखावे से जो चल रहे इस ज्ञान में, वो लंबा समय नहीं चल सकते, थोड़ा समय चलेंगे और फिर हो गया काम पूरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी विचारधारा के केवल प्रभाव में है तब तक ही वो काम करेगी। हाँ, भट्टी, मुरलिया, अध्ययन, टेस्ट, थोड़ा सा प्रभाव चल रहा है, ऊपर ऊपर से कुछ समय करेंगे फिर
खत्म, क्योंकि भीतर से नहीं निकला था। और कुछ कुछ आत्माएं ऐसी है जिनको लंबे समय से इच्छा थी कि हमें सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़नी है, अध्ययन करना है, तपस्या करनी है, परंतु कोई ना कोई कारण की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए ये अमृत है, बाकियों के लिए बस एक नवीनता कुछ तो है, ट्राई करके देख लो, हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। प्रभाव में है थोड़े समय के, थोड़ा दिन करते हैं और फिर खत्म, फिर अपनी वही दिनचर्या, फिर और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। कल हमने नींद गिनाई थी, लखन भाई कौन कौन सी, ए आलस अलबेलापन, बी बहानेबाजी, सी 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 इंग्लिश में कंफर्ट्स, डी डी लखन भाई याद करो, मोबाइल का वो नहीं निकालना है, दैहिक आकर्षण, ई इलेक्ट्रॉनिक्स, एफ एफ से बहुत कुछ था, पैशन, प्रेम, फूड, फैमिलियरिटी, ये अलग अलग रूपों से माया आएगी, फैमिलियरिटी के रूप से माया आएगी, कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन अच्छा लगेगा, उसकी कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई विशेषता अच्छी लगेगी, उसका बोलना, उसका चिंतन, उसका रूप, उसका व्यवहार, या उसके कपड़े, स्टाइल, बाल, कुछ भी, एनीथिंग। जी गॉसिप, गफलत, एच एच एस पी, छुई मुई स्वभाव, बात बात में नाराज, बात बात में उदास, रूसना, रूठना, रोना, ये कमजोर आत्मा की निशानी है। तुम्हें तो विकराल रूप धारण करेगी, दूसरी मुरली में कहा माया। और आज सुबह की अव्यक्त वाणी में तो चर्चा की है बाबा ने भूज के भूकंप की, 26 जनवरी 2001 में आया हुआ भूज का सबसे बड़ा भूकंप। बाबा ने कहा इसमें एक ही चीज चाहिए, निर्भय, खुद ही भयभीत तो नहीं हो जाते। तो माया के रूपों को जानना है, प्रकृति का क्या आकर्षण है, स्वभाव संस्कारों का क्या है, कौन सी माया यहां से आती है, संबंधों में माया आती है, संबंधों को आवश्यकता है रुकने की, श्वास लेने की, संबंध थक गए, संबंधों को रेस्ट की आवश्यकता है, और वो थक गए हैं फैमिलियरिटी की वजह से, वो थक गए हैं टू मच क्लोजनेस की वजह से, उन्हें चाहिए साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा दूर, एक दूसरे को समय देना है, किस लिए, टू ब्रीथ। संबंधों की माया, देह के स्मृति की माया, स्वभाव संस्कार की माया, स्पेल द अट्रैक्शन, प्रकृति के आकर्षण, बाबा ने ये चार रूप गिनाए हैं। और फिर मेन मुरली, सदर्शन चक्रधारी की 7 निशानियां हैं। एक तो सदर्शन चक्रधारी है और दूसरे माया के चक्रधारी है, जो माया के चक्र घुमाते हैं। तो सबसे पहला जो स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन अर्थात खुद का दर्शन, सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ एनालिसिस,
सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ओरिएंटेशन, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ लव, सेल्फ फोकस, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को ही डिसिप्लिन करना है, खुद की ही ट्रेनिंग देना है। उस मूल्य में था ना लास्ट पट्टी में, स्वयं को स्वयं ही होमवर्क देकर स्वयं का डैश बनना है। शिक्षक, टीचर, गुरु, बॉस, शिक्षक, खुद का क्या बनो? शिक्षक। स्वयं स्वयं को ही होमवर्क दो। सेल्फ होमवर्क। सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ लर्निंग। खुद ही सीखो। कोई दूसरा आकर मुझे सिखाए, कोई दूसरा आके मुझे पढ़ाए। सेल्फ भट्टी, सेल्फ शिविर, सेल्फ सेमिनार, सेल्फ वर्कशॉप, सेल्फ क्लास, सेल्फ सेल्फ सेल्फ। सबसे पहली निशानी जो स्वदर्शन चक्रधारी है, वही सदाकाल चक्रधारी बन सकते हैं। भविष्य के चक्रधारी केवल वही बन सकते हैं जो जिनका ध्यान खुद पर है। जिनका ध्यान औरों पे है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कब तक, बुद्धि बाहर है, उसको छोड़ो। हर व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा के प्रभाव में है और वो उसी विचारधारा को फॉलो करता रहेगा जब तक उसके अपने अनुभव से वो विचारधारा नहीं टूटती। हम चाहते कि बच्चा ये करे, पर वो नहीं करेगा, वो अपना ही करते रहेगा। हम कितना भी समझाओ, कोई व्यक्ति है, कोई भाई है, कोई बहन है, वो कुछ और कर रहे हैं पुरुषार्थ छोड़कर, पर वो करते रहेंगे। कब तक? जब तक वो किसी प्रभाव में चल रहे हैं, जब तक अपने खुद के अनुभव से वो टूटेगी नहीं विचारधारा, दे विल कीप ऑन फॉलोइंग दैट। तो किसी और को परिवर्तन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम किसी को नहीं बदल सकते सिवाय एक के। कौन? सेल्फ। हम इस संसार में किसी को नहीं जान सकते सिवाय एक के। कौन? सेल्फ। पति पत्नी एक साल, तीस साल साथ रहते हैं, 40 साल, 50 साल, 50 साल के बाद में भी पति को पूछो क्या पत्नी को समझा ना, पत्नी को पूछो क्या पति को समझा ना। कौन किसको समझा है, किसने किसको जाना है? दूसरा, सदा माया अधिकारी होंगे, माया के अधीन नहीं होंगे। तीसरा, लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। भविष्य में लाइट का ताज तो है ही, अभी वो दिखाई देगा। चौथा, माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त। तो ये चार चक्र उसमें सुनाए हैं जिसकी चर्चा हमने की। पांचवा, सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में नहीं आ सकते। ये तो माया के चक्र है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे चक्र हैं। छठवा, अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देंगे। ये आगे की स्टेज है। जो स्वयं चक्रों से छूटा है, वही दूसरों को छुड़ा सकता है।
जो खुद ही रोगी है वह दूसरों को रोग से कैसे मुक्त करेगा। जो खुद ही सजा काट रहा है जेल के अंदर वो दूसरे कैदियों को कैसे छुड़ाएगा। और कोई ना कोई सजा सूक्ष्म रूप से चली रही है। योगी है योग न लगे ये है सजा। और लास्ट लाइट के ताजधारी होंगे और बाप के वर्षे के अधिकारी होंगे अभी। तो ये सात बातें हैं। सदाकाल छत्रधारी होंगे। चक्रधारी ही छत्रधारी, उनके ऊपर क्या होगा निरंतर एक छत्र। दूसरा माया के अधिकारी, माया के अधीन नहीं माया के अधिकारी होंगे। इसके लिए माया की हर चाल को समझना है। हर व्यक्ति की माया अलग अलग है, एक ही माया एक ही रूप से नहीं है, माया बहुरूपी है। अभी अभी मुरली में आया था कुछ दिन पहले। अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे, लाइट के छत्रधारी। ये अलग अलग शब्द है एक ही बात को समझाने के लिए जो मुरली में आए हैं। अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, और किसी चक्र में आ नहीं सकते, दूसरों को भी चक्र से छुड़ाने वाले लाइट के ताजधारी और बाप के वर्षे के अधिकारी। तो ये किसकी पॉइंट्स है? सदर्शन चक्रधारियों की। फिर दूसरी सात पॉइंट्स और हैं। ये पॉइंट्स है माया के जो चक्रधारी है उनकी। उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। डबल बोझधारी डबल ताजधारी लाइटधारी नहीं होंगे। इनके पास भी चक्र होगा पर कौन सा? बोझ का। सदैव कर्जदार और मर्जदार होंगे। कर्ज और मर्जदार, इसका विस्तार और आगे किया है। उनके मुख पर मस्तक पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे, प्रश्नचित्त, प्रश्नधारी होंगे। पांचवा, चौथा, हर संकल्प में सदा स्वयं के लिए क्वेश्चन करती रहेगी। पांचवा, बाप के प्रति क्वेश्चन करती रहेगी। छठवा, अनेक प्रकार के क्वेश्चन अन्य के प्रति होंगे। तो तीन प्रकार के प्रश्न इनके मन में निरंतर रहेंगे। एक तो खुद के लिए, दूसरा भाबा के लिए बहुत सारे प्रश्न है, शिकायत है, और तीसरा दूसरी आत्माओं के लिए, उसका वर्णन दिया है मुरली में। और लास्ट, उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है कि अनुभव नहीं होता। बस क्या होता है? सुनते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, परंतु प्राप्ति की मंजिल कहीं नजर नहीं आती, कोई अनुभव नहीं होता। मधुबन भी आ गए, बाबा मिलन भी कर लिया, भट्टी में भी आ गए, क्लासेस भी सुन ली, मुरली भी सुन ली, सब कुछ किया, सेंटर पर रोज जा रहे, परंतु अनुभव की चिड़िया हाथ में नहीं आती। बस सब लोग अपना अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते हैं, हमको तो कुछ होता ही नहीं। ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, ना परमधाम दिखता है। ये लोगों को पता नहीं क्या दिखता है। बाबा बाबा करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव सुनाते हैं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भोजन परिवर्तन करो, भोजन परिवर्तन, भोजन 3 महीने से परिवर्तन किया, अभी भी वही भारीपन है। जो पहले जो खाते थे अब सब चेंज है, फिर भी भारीपन तो गया ही नहीं, और ही वजन घट गया तो समाज दुश्मन बन गया है। कुछ होता ही नहीं, भोजन का भी कर लिया, प्रकृति में रोज जा रहे हैं, फिर भी कुछ होता नहीं। सारी मेमोरी टेक्निक्स यूज कर ली, मुरलिया पूरी याद है, एग्जाम में 10 out of 10, पर अनुभव नहीं हो रहा है। बस कहाँ क्या है वही तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो साइकिल होती है ना वो एक जगह पर चलने वाली, जिम में होती है जो एक्सरसाइज के लिए लाते हैं लोग, उसको जोर से चलाओ और हट जाओ, वो पैडल घूमते रहता है। क्यों? मोमेंटम,
पुराना जो है ना उसका प्रभाव चलते रहेगा। अभी पेडल मार नहीं रहे फिर भी साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। पूर्व स्मृतियां, इतना जल्दी नहीं जाएगा। इंक की बॉटल है, कई बार उदाहरण दिया है, इंक खाली हो गई है, उसमें इंक नहीं है, उसको धोना है, तो नल के नीचे वो रखा, पानी उसमें गया, सबसे पहले क्या निकलेगा? इंक की वाटर निकलेगा। और हम सोचते हैं देखो ये क्या हो गया, जब से ये पुरुष पहले ठीक थे, जब से अव्यक्त वाणियां चालू कर दी उससे डिस्टर्बेंस बढ़ गया है। पहले तो भी आराम से पुरुषार्थ चलता था, अभी तो टेंशन, अभी नींद फिट गई, सब गड़बड़ हो गया है। तो बाबा ने क्या कहा, बीमारी पहले वो निकलेगी बाहर, उथल पुथल होगी, सब होगा, सब डिस्टर्बेंस होगा, केवल स्थिर रहना है, पेशेंस, स्थिर। मार्ग यही है, बस धीरे 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 आगे बढ़ते जाना, डरना नहीं है। ये कर लिया, वो कर लिया, 3 महीने ये कर लिया, 4 महीने वो कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, हो तो कुछ नहीं रहा है, अनुभव ही नहीं होता। एक माता थी, वो आती थी, अभी भी है, उसकी अभी भी यही कंप्लेंट है कि दिखता कुछ नहीं। हमने उसको कहा हमको भी नहीं दिखता और कुछ दिखना है ही नहीं, वो एक ही बात रट लगा के है। बहुत पुरानी माता है, 30 साल से ज्यादा हो गए, कंप्लेंट एक ही है कि ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, ना सूक्ष्म वतन दिखता है, ना परमधाम दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। बाकी सबको दिखता है ये ज्यादा दुख है, और मुझे कुछ नहीं दिखता। उसको कितनी बार समझाया कि मुझे भी नहीं दिखता कुछ भी, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपको सब दिखता है। अरे नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, वो तो दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं, ट्रेडमार्क है उसका, शब्द ही वो बना दिया, दिखता कुछ भी नहीं, क्या करें। तो बाप के प्रति ढेर सारे प्रश्न होंगे, उनके स्वयं के प्रति प्रश्न होंगे, और अन्य आत्माओं के प्रति प्रश्न होंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे? तो बाप के, पहले तो स्वयं के प्रति प्रश्न, इसको कहते हैं सेल्फ डाउट। ये सबसे बड़ा शत्रु है, सेल्फ डाउट, अर्थात खुद पर विश्वास नहीं है, खुद ही डाउट है, मैं कुछ भी करूंगा ना मुझे नहीं लगता मैं उसमें सफल हो पाऊंगा, संदेह है खुद की क्षमताओं के प्रति। क्या क्या प्रश्न है? क्या मैं सफलतामूर्त बन सकती हूं? मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी? मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी? सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी? प्रश्न है ढेर सारे, डाउट। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउटिंग थॉमसेस, इसको कहते हैं डाउटिंग थॉमस। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाते हैं, 3rd दिन वो फिर वापस आ जाता है, और उसके जो शिष्य होते हैं ना छुप के बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो जो दुश्मन है वो तो ढूंढ ही रहे इसके फॉलोअर्स कौन कौन थे। तो वो जहां शिष्य बैठे हैं वहां उस कमरे में वो अचानक आ जाता है, ऐसा दिखाया है, तो सभी शिष्य खुश हो जाते हैं। उस समय थॉमस नाम का शिष्य होता है, वो कहीं बाहर गया होता है, तो वो जब वापस आता है तो बाकी उसके मित्र कहते हैं कि जीसस आया था, ईसा मसीह आया था। वो कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं कैसे मानूं, जब तक मैं उसको हाथ ना लगा लूं ना, पकड़ ना लूं उसका हाथ अपने हाथों में, तब तक नहीं मानूंगा। और फिर अगले 1-2 दिन बाद जीसस क्राइस्ट खुद आते हैं वापस, जब ये थॉमस रहता है तब उसे आश्चर्य होता है, वो सामने जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसके पैरों को पकड़ता है, और फिर घुटनों के बल गिरता है और रोने लगता है। और तब बाइबल में वो वाक्य है बहुत फेमस कि जो तुम देखते हो, देखकर किसी को विश्वास करना है तो बहुत आसान है, पर बिना देखे, इफ यू कैन बिलीव दैट इज फेथ। और वो रोने लगता है। तो संदेह, डाउट,
तो ये अपने प्रति ही डाउट है। दूसरा डाउट है दूसरों के प्रति, यह मेरे से ऐसा क्यों चलते हैं, ये दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, दूसरों को मिलता है मुझे नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता, मुझे मान क्यों नहीं देते, मेरा नाम क्यों नहीं होता। बहुत दुख। और तीसरा, ये तो स्वयं के प्रति डाउट और दूसरों के प्रति, परंतु बाबा के प्रति भी बहुत सारी शिकायत है। बाप, जब सर्वशक्तिमान है आप तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटते, सब कर सकते हो ना, तो करो, दिखाओ चमत्कार। नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते, जबकि बाप है तो जैसा भी हूं कैसा भी हो उनकी ही हूं, उनकी जिम्मेदारी हूं मुझे पार कराना, जब दाता है तो जो चाहती हो वह क्यों नहीं देता, त्रिकालदर्शी है मेरे तीनों लोकों को जानता है तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाते। ये कंप्लेंट है बाबा के लिए। अमृत वेला एकदम सब निकलता है बाहर, तुमको ये करना चाहिए, ऐसी मीठी मीठी शिकायत थे बाप के आगे रखते हैं, तो बाबा क्या करता है फिर, बाबा क्या कहता है, ऐसी आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चे को देखे तो बाप क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे। फिर भी रहम दिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त किए, हिम्मत आपकी, मदद बाप की, फिर भी चलते चलो, रुको नहीं, कल पहले मुआफिक फिर से विजयी बन जाओ। और अभी एक मुरली का मुख्य काम है यहाँ पर। तो ये सात निशानी सुदर्शन चक्र की, ये सात निशानी माया के जो चक्रधारी है उनकी, ये चार प्रकार के माया के चक्र, और इससे छूटने के लिए फिर बाबा ने एक उपाय बताया है इस मुरली में, सॉल्यूशन। वो क्या है, सिर्फ एक सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो। उपाय क्या है, एक सेकंड याद करना है, कितना टाइम, एक सेकंड, बट वो सेकंड कैसा होना चाहिए, सच्चे दिल से और सर्व संबंधों से याद करोगे तो व्हाट, तो उस एक सेकंड से मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार अपनी तरफ से सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। एक सेकंड की याद पर कैसी हो, दिल से, एक सेकंड की याद पर कैसी हो, सर्व संबंधों वाली। ये इस पूरी मुरली का सार है ये वाक्य। भल कितने भी निर्बल हो लेकिन एक सेकंड की याद इतना तो कर सकती है। ऐसे निर्बल आत्माओं को एक सेकंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न में बाप हजार गुना मददगार बनेगा, इससे सहज और क्या करेंगे। या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए ये प्रश्न पूछा है, बाप है तो करना चाहिए, जैसे वो बताते हैं ना, छोटा बच्चा पिताजी बाप अपने बेटे से करते, बेटे सुनो तुमको बहुत ध्यान से चलना चाहिए, एक एक कदम फूंक फूंक के रखो जीवन में। वो कहता है पिताजी आप ध्यान से चलो क्योंकि मैं आपके कदम पर कदम रख रहा हूं। बात तो एकदम सही है इससे सहज और क्या करेंगे। क्या उत्तर दिया, एक सेकंड याद करो अमृत वेला और सर्व संबंधों वाली, बस ये अगर रहा तो सारे दिन भर तुम सभी आकर्षणों से मुक्त होके बाप की तरफ आकर्षित होंगे। इतना करो, इतना तो कर सकते हो, इससे सहज और क्या कहेंगे। क्या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए, नाजुक बच्चे हैं ना, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, क्या बनो, राज युक्त और योग युक्त बनो। ये है मुरली। तो आज की मुरली का
सबसे पहला काम सारी मुरली है सेल्फ चर्निंग कहो या जो सारे शब्द गिनाए। कौन से किसके माया के? नहीं वो तीन अलग अलग, सेल्फ डाउट खुद के लिए संदेह, बाप के लिए प्रश्न और औरों के लिए प्रश्न। ये अलग अलग क्योंकि उसका पूरा विस्तार दिया है बाबा ने, इसलिए उसको अलग अलग कर दिया। और लास्ट में जो आवाज निकलती है वो कौन सी? अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, हमको अनुभव कराओ, हमको अनुभव कराओ। ये सात। तो आज का सबसे पहला काम है जो करना है चिंतन, वो है सेल्फ केयर आइडियाज। ऐसी 21 आइडियाज लिखनी है सेल्फ केयर की। एग्जाम्पल 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 सेल्फ केयर, वॉक के लिए चले जाओ, एक्सरसाइज करो, सेल्फ केयर, जिसमें सब आएगा। सेल्फ केयर में सब आता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, सब कुछ, इंटेलेक्चुअल, ये मेंटल में इंटेलेक्चुअल, सब प्रकार से, व्यवहार, हर प्रकार से, हेल्थ। तो क्या क्या आइडियाज हो सकती है? और भोजन में संयम, भोजन में संयम आइडिया नहीं है, उसमें क्या परिवर्तन करना है वो आइडिया। हाइकिंग, लाइब्रेरी जाना, गार्डन में जाना, हाइकिंग मतलब लॉन्ग ड्राइव कहीं चले जाना। उसके बाद में ड्राइंग, उसके बाद में मेडिटेशन, गेम्स, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ केयर, जिससे सेल्फ केयर हो, फिजिकली ले लो तो फिजिकल में एक चीज मिसिंग है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया जब बीमार पड़ते हैं ना तो उनको रिकवरी को टाइम लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वो एक्सरसाइज करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, सेवाओं में इतने व्यस्त है और रॉयल एक्सक्यूजेस है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो अगर बीमार पड़ भी जाए तो रिकवरी फास्ट होती है। अगर गिर जाए, फ्रैक्चर हो गया, टूट गई हड्डी, जुड़ती फास्ट है। पर जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उनकी रिकवरी भी बहुत धीरे होती है, स्लो होती है। एक्सरसाइज ये वाली ना, चिड़िया उड़, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सीनियर फिजिशियन थे, डॉक्टर साहब थे, चावला सर, तो वो यहाँ कई साल थे, फिर चले गए उनके युगल के साथ। तो बहुत वॉकिंग करते थे वो लोग, पूरा जब देखो देखो दोनों वॉक करते हुए दिखते थे कुछ कभी भी देखो वो भी लंबा लंबा। तो मैडम को हमने कहा था, मैडम आप कार क्यों नहीं ले लेते? बोले अगर कार ले लूँ ना तो ये जो आपके सर है ना, बात ये बेडरूम से बाथरूम भी कार लेके जाएंगे तो एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। फूड डिसाइड करना है, मैं क्या मेरे लिए ठीक है। ऐसा नहीं 10 चीजें बनी है तो 10 के 10 में ले लूं, मुझे क्या सूट करता है इसमें से। फिर इमोशंस, कौन से इमोशंस अभी चल रहे हैं, उसमें दुख है, गिल्ट है, ब्लेम है, एक भाव है कि सब ने मेरे साथ अन्याय किया है, ये सब दोषी है, अच्छे लोग नहीं है, इस ये एक विचारधारा है उसके उसके, मैं कुछ भी करो माफ नहीं करूंगा, हे प्रभु मैं सबको माफ करूंगा पर ये जो मेरा पड़ोसी है ना उसको छोड़ के कब भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरे साथ जो जो किया है ना आपको पता नहीं है वो क्या क्या किया। वो है ना सूफी संत आता है गांव में,
और वो एक घर झोपड़ी ले लेता है, उसका पड़ोसी उसको रोज तंग करता है, घर का उसके घर का कचरा इसके घर में फेंकता है और गालियां देता है, चिल्लाता है, क्या कुछ करता है। ये सूफी संत सहता है सहता है सहता है, 4 मास तक सहन करता है पड़ोसी को, फिर भगवान से एक दिन बोल ही देता है। सूफी अर्थात तो वो लोग होते हैं जो जिनका उस अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते, कुछ नहीं, समाज उनके साथ जो भी व्यवहार कहता है सहते हैं। पर वो कहता है, अब मेरी, हे खुदा, मेरी लिमिट पूरी हो गई, 4 मास बस, तू कुछ कर इस पड़ोसी का, कब तक मैं सहूँ। और अचानक भगवान की आवाज़ आता है, आती है, भगवान कहता है, तू इसे 4 महीने से सह रहा है, मैं 40 साल से सह रहा हूँ। वैसे इस यज्ञ में जो जो है वो सब कौन है? भगवान के है ना। इसलिए ये ना समझो मैं इसको बदल दूँ। तो आइडियाज, इमोशंस, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट इमोशंस। वो इमोशंस नहीं, अगर है तो उसको धीरे धीरे चेंज करो। फिर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, कुछ ना कुछ नया नया सीखो, कोई नया कोर्स करो, कुछ ऑनलाइन सीखो, कुछ तो सीखो, चित्र बनाओ, कुछ तो नया 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 सीखते रहना। जो लोग नहीं सीखते हैं ना, उनकी बुद्धि डल हो जाती है। गोविंद रानड़े थे महाराष्ट्र में, जज थे, जज। वो, उनको भाषा सीखने का बहुत शौक था, नई नई भाषा सीखते रहते थे। तो एक बार वो बाल बनाने गए, तो वो जो ये था बार्बर, हजामत करने वाला, वो बंगाली था, तो वो उससे बंगाली सीखने लगे वहीं पर। तो उसकी पत्नी कहती है, आप इतने बड़े कोर्ट के जज हो, आपको शोभता है क्या ये? आपको सीख नहीं है ना बंगाली? टीचर लगा लो एक प्रॉपर, जो घर पे आके सिखाए, ऐसे उससे सीखते हो, नाई से? वो कहता है, मुझे अगर किसी से भी कुछ भी सीखना है तो मैं ये नहीं देखता वो किस जात का है, किस बात, इससे मुझे कोई लेने देना। छोटा बच्चा भी सिखाए तो भी मैं उससे सीखूंगा। सीखने की बस ललक, सीखने की इच्छा बस वो चाहिए। ये इतने विदेशी, किस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, कौन सी उनकी भाषा सीखी ना, हिंदी सीखी उन्होंने तो। अच्छा, तो नई नई स्किल्स सीखते रहना है, स्किल्स, लैंग्वेज, नई सेवाएं, कुछ भी, सेल्फ केयर है, ये खुद के लिए खुद का अटेंशन है। अगला, इमोशनल स्पिरिचुअल, नया नया पुरुषार्थ, नई मुरली स्टडी की विधि है। इस मुरली को किस विधि से स्टडी की जा सकती है, कैसे याद रखा जा सकता है? तो आज का एक होमवर्क है, जो दूसरी मुरली है, पहली मुरली 14 तारीख की, आज इस मुरली को क्या करना है, इस पर एक कविता बनानी है। परंतु वो कविता वैसे नहीं जो कविता लिखते आप अपने आप निकलती है, जो यहाँ एफर्ट वाली कविता बनानी है, जमानी है शब्दों को जोड़ जोड़ के, वो नहीं जो सहज निकलती है, वो नहीं, वो तो रियल पोएट्रीज होती है, वो नहीं जो अचानक निकल पड़ती है, कोई भाव, वो कभी कभी होता है वैसे। यहाँ पर एफर्ट के साथ कविता बनानी है। कितने लाइन की कविता? 14 पंक्तियों की। इसको कहा जाता है इंग्लिश में सोनेट, अर्थात ये दो, फिर ये दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे 7। तो टोटल कितने पंक्तियों की बनेगी? 14 पंक्तियों की। और इस कविता में शब्द कौन से होंगे? केवल मुरली के कीवर्ड्स। तो पहले मुरली पढ़ लो, कीवर्ड्स उठा लो, उसका कोई एक वाक्य जोड़ो, और राइमिंग होना चाहिए उसमें, गया, खोया, पाया, साया, माया, छाया, लास्ट जो वर्ड है वो क्या होगा? राइमिंग। हाँ, मेन मेन वर्ड मुरली के होंगे, बाकी आपको तो जोड़ना है उसको, ये एफर्ट। ये भी एक, जैसे मुरली पढ़ ली, एक लाइन उठा ली, उसको लिखो, और पहले किया हुआ है
और फिर दूसरी लाइन जोड़ो। ये एक ही तरीके से हम मुरली अगर पढ़ते रहे तो बोर हो जाता है। क्या चाहता, क्या चाहिए? नींद आने लगती है, बोर होने लगती है। जैसे वो इसमें दिखाया ना, ये सुशील भाई ने, एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान में कान खींच लिए। शेर उठा, गुस्से से दहाड़ा, किसने किया ये, किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में मैं अत्यंत दुखी हूं, उदास हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए कहा, मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर, नहीं महाराज। शेर, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत ही अच्छा लगता है। इस कहानी का सार, अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों से संपर्क में रहे, कान खींचते खिंचाते रहे, पंगा लेते रहे, सुस्त ना रहे, मस्ती करते रहे। आप सभी भी अपने मित्रों से संपर्क बनाकर रखिए, विश्वास कीजिए, अपना मन, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित और सदैव स्वस्थ रहेगा। ये वो चिकित्सा है जो शब्दों से ही आपका उपचार कर दिया करती है। तो बोर हो जाते हैं, वही वही अमृत वेला, फिर मुरली, फिर वही नाश्ता, कौन सा नाश्ता है वो भी पता है, फिर वही सेवा, वही डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लोग भी बदलते नहीं, वही है। और वही दोपहर, और वही शाम, और वही रात, और वही नींद, सब वही 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 वही। तो ऐसा करते करते क्या हो जाता है, कई बार बोर्डम, वही बोर हो जाते हैं, कुछ तो नया। तो आज का सबसे पहला होमवर्क है सेल्फ केयर आइडियाज। ऐसे कितनी आइडियाज लिखनी है, 21 आइडियाज, वो कुछ भी हो सकती है। क्या क्या करे तो नई नई आइडियाज, बुद्धि को नया, और नयापन, जगह बदलो तो नयापन आता है, कहीं जाके आओ तो नयापन आता है, कहीं घूमो बुझ बीच बीच में, बट समथिंग न्यू चाहिए तो ठीक लगता है। तो एक तो ये, और दूसरा काम क्या बताया, कविता। तो कविता 14 पंक्तियों की सोनेट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सोनेट, वो सोनेट लिखनी है, मुरली के शब्द होने चाहिए, थोड़ा हेर फेर तो कर सकते हैं, और हो गई। तो बस आज ये दो काम है। अच्छा, हाँ वो अभी बताना है, बाद में बताएंगे। हाँ तो अभी चार ग्रुप बने हुए हैं, चार भाषाओं में एग्जाम चल रही है। एक तो हिंदी में चली रही है रोज की, दूसरा तेलुगु का बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप है तेलुगु वाला, सबसे सिंसियर, और एक एक को बहुत ज़्यादा उसमें चिंतन मनन सब करते हैं। तीसरा ग्रुप है इंग्लिश का, और चौथा कन्नड़ का। तो ये चार भाषाओं में ग्रुप चल रहे हैं, चार भाषाओं में रोज़ एग्जाम्स हो रही है, खाली आके बैठ के सुनना नहीं है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, चिंतन चाहिए, याद करना पड़ता है, सब करना होता है, तो एग्ज़ाम देते रहना है। और आज की तारीख क्या है, 11, तो भट्टी के 11 दिन पूरे हुए, 21 दिनों की भट्टी है, 2 दिन का गैप रहेगा, 24 तारीख को एग्ज़ाम होगी 47 मुरलियों पर, जो अभी मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो 21 एग्ज़ाम्स तो अलग जो चल रही है ऑलरेडी, और जिसमें सबको कितने कितने मिल रहे हैं, 6, 7, 8, कभी 9, कभी 10। कल का क्या हाल था, कल के क्या प्रश्न के उत्तर क्या थे, सब राइट, ऑल आर ट्रू। किसी ने ये सोचा कि इतने सारे ट्रू हो गए, एक दो तो फॉल्स होने चाहिए, तो फॉल्स कर दिए, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे ट्रू कैसे हो सकते, दो तो फॉल्स कर दो, तो 2-3 फॉल्स कर दिए, इसलिए कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फॉल्स को बुरा क्यों ना लगे। हाँ
पर जब प्रिपरेशन पूरी है तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एग्जाम को उस रीति से लेना है कि अच्छे से पढ़ना है, कि एक लाइन लाइन को पढ़ना है। ये एक टेक्निक है जिससे मुरली हमारे भीतर अंदर प्रवेश करेगी और हम फैमिलियर हो रहे हैं उससे, बाबा की भाषा से वो इस तरह से बोलता है, ये पता चल रहा है उसके शब्द, उसकी शैली। हर साहित्यकार की एक शैली होती है, हर कवि की एक, ये भगवान की शैली है, उससे हम परिचय हो रहा है हमारा। तो चारों भाषाओं में एग्जाम चल रही है, नहीं आपको जो भाषा में देना है वो दो, और भी बहुत सारे आ रहे हैं पर अभी बहुत ज़्यादा गृहस्थी बढ़ रही है तो हमने कहा अभी इतना ठीक है। अच्छा, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहां। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है, खोजूं जहां मैं तुमसा कहां। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर, क्रांति से हो जाए ये विमल जहां। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।